सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हमारी होंडा SP125 में क्रूज़ कंट्रोल। सो आप लोग सोचोगे कि ये कैसे क्रूज़ कंट्रोल इसमें इंस्टॉल होगा। सो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक ऐसी ओ रिंग, या आपको किसी भी ऑटो पार्ट्स की शॉप पर या फिर कोई भी मैकेनिक की सर्विस करता हो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ होगी, ज़्यादा नहीं होगी। मेरे को तो ये पहचान वाला था मेरा, तो उसने तो मेरे को फ्री में दे दिया था। तो आपको करना क्या है, ओ रिंग को आपको यहाँ पे एक्सीलेटर जो है आपका इसके ऊपर चढ़ा देना है ऐसे एक बार, ठीक है। फिर इसको आगे लेके जाना है ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे अटका देना है, ठीक है। ये अटक गया तो अब क्या होगा कि ये जो एक्सीलेटर है हमारा वो भी अटक जाएगा। जैसे मैं एक्सीलेट करूँगा तो ये अटक जाएगा। सो मैं थोड़ा सा एक्सीलेट करके आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते हो आप, ये एक्सीलेट अटक गया एक्सीलेटर, ठीक है। सो ये क्रूज़ कंट्रोल के बहुत सारे बेनिफिट हैं वो आपको भी मैं मोटर ब्लॉक के टाइम बताऊंगा। सो एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ ये क्रूज़ कंट्रोल कैसे वर्क करता है। सो आइए चलते हैं। एंड ये मैंने आपको जैसे कि दिखाया था, ये मैंने यहाँ पर अटका दिया था बीच में। सो आप देख सकते हो ये। एंड ये अभी बाइक फर्स्ट सेकंड गियर में है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है। एंड इसकी बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपकी माइलेज भी बढ़ेगी। बिकॉज़ क्या होगा कि आप एक ही स्पीड में क्रूज़ करोगे, सो माइलेज भी आपको इससे अच्छी मिलेगी। एंड ये क्रूज़ कंट्रोल इस बाइक्स में नहीं आते हैं, सारे नॉर्मल बाइक्स में नहीं आते हैं। लाइक ट्रायम्फ टाइगर हो गई, BMW GS हो गई, S1000RR हो गई, उसमें उस सब बाइक में तो कंपनी से ही आता है। बट ये नॉर्मल बाइक्स में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। सो ये एक जुगाड़ है। एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो ये ट्रिक यूज़ करना। अभी मैं तो लोकल रोड्स पे हूँ, सो यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की है। बट फिर भी मैं एक डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी मैं आपको इसका कैसे ये इसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हाईवे पर अगर आप क्रूज़ कर रहे हो सो आप हाथ छोड़ के भी कर सकते हो इसको। आप अगर हाईवे पे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप एक स्पीड में क्रूज़ करोगे तो आप अच्छे से माइलेज आपको मिलेगी। सो अभी देख सकते हो फोर्थ गियर में बाइक है एंड 35 की स्पीड है। तो मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। सो आप देख सकते हो बाइक जा रही है ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से अटक गया है तो बाइक एक स्पीड पर जाएगी। सो अभी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो सो मैंने आप देख सकते हो हैंडल से हट मैंने उठा लिए हैं, बाइक जा रही है, स्पीड भी बढ़ रही है। देख सकते हो मैंने थोड़ा एक्सेलरेट ज़्यादा कर दिया है इसलिए। सो अभी आप देख सकते हो बाइक फिफ्थ गियर में है एंड 40-41 की स्पीड पे जा रही है बाइक। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंसिंग ही करनी है एंड बाइक जाएगी। आपको हाईवे पर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बिकॉज हाईवे पर आप एक स्पीड पर क्रूज़ करोगे तो उसमें मज़ा आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी सारे बंदे बीच में आ रहे हैं। सो ये रिस्की भी है एंड आपको उतना मज़ा भी नहीं आएगा। सो यह हाईवे पर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एंड ये SP125 में तो मैंने पहली बार ट्राई किया है। यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी ऐसा वीडियो SP125 के ऊपर तो नहीं ही मिलेगा। दूसरे बाइक्स के ऊपर अगर मिल जाएगा तो ठीक है, बट SP125 पर तो मैंने पहली बार मैंने ट्राई किया है। सो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो बाइक एक स्पीड में क्रूज़ कर रही है। अभी मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हो 41-42 की स्पीड पे अगर अराउंड क्रूज़ कर रही है। सो वीडियो कैसा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, आइडिया आपको स्क्रीन पर दिख रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे बाइक के रिलेटेड एंड कार्स के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा इस बाइक के ब्रेकिंग टेस्ट के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।